प्रभु यीशु के दुख भोग का स्मरण हम इसे पुण्य शुक्रवार एवं गुड फ्राइडे के नाम से भी जानते हैं। यह दिन प्रभु यीशु के दुख भोग एवं क्रूस मरण का याद दिलाती है। यह एक ओर हमारे लिए सबसे दुखद दिन प्रतीत होता है, लेकिन दूसरी ओर पूरी मानव जाति के लिए मुक्ति का दिन है। प्रभु के क्रूस से ही दया एवं क्षमा झलकती है। आज यदि हम दुनिया पर नज़र डालते हैं तो चारों ओर बुराई रूपी अंधकार ही है। आज लोग अपने स्वार्थ एवं दुनियादारी में लीन हैं। हमारे प्रभु यीशु सच्चाई का साक्षी देने के लिए, सच्चाई का दीपक जलाने के लिए उस दुनिया में आए, जो क्रूस मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा इसे पूरा किया। आज का दिन क्रूस के महत्व के बारे में हमारा ध्यान आकर्षित करती है। ऐसाया नबी इसके बारे में पहले ही भविष्यवाणी की थी। उसने बहुतों के अपराध अपने ऊपर लेते हुए और पापों के मुक्ति के लिए प्रार्थना की, अपने को बलि चढ़ा दिया। उसकी गिनती कुकर्मियों में हुई। अतः क्रूसित यीशु पर विश्वास हमें मुक्ति दिला सकता है। हम गणना ग्रंथ अध्याय 21 वचन संख्याएं 4-9 में पढ़ते हैं। जब ईश्वर की चुनी हुई प्रजा प्रतिज्ञात देश की ओर यात्रा करते करते लोगों का धैर्य टूट गया और वे ईश्वर और मूसा के विरुद्ध भुनभुनाने लगे, तब प्रभु ने लोगों के बीच विषैले सांप भेजे और उनके काटने से बहुत से लोग मर गए। तब लोग मूसा के पास आए और बोले, हमने पाप किया, प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि वह हमारे बीच से सांपों को हटा दे। तब प्रभु ने मूसा से कहा, कांसे का सांप बनवाओ और उसे डंडे पर लगाओ, जो सांप द्वारा काटा गया वह उसकी ओर दृष्टि डाले और अच्छा हो जाएगा। प्रभु के आदेश अनुसार मूसा ने कांसे का सांप बनवाया और उसे डंडे पर लगा दिया। जब किसी को सांप काटता था तो वह कांसे के सांप की ओर दृष्टि डालकर अच्छा हो जाता था। आज यही प्रतीक हमारे बीच क्रूसित यीशु है, जो गिरजाघरों में हमारे घरों में लटके हुए हैं। आइए उस क्रूस पर अपनी निगाह डालें एवं विश्वास करें और मुक्ति प्राप्त करें। सांप से छुटकारा पाना अर्थात पाप से मुक्ति पाना। हमारा पाप हमारा दुश्मन है। पाप हमारे जीवन और भविष्य को बर्बाद करने वाली शक्ति है। प्रायश्चित और मन परिवर्तन ही हमारे लिए वरदान एवं मुक्ति का रास्ता है। अतः भाइयों बहनों, आइए हम क्रूसित यीशु से हमारे पापों एवं विश्व के पापों के लिए क्षमा याचना करें।